स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जो अलग अलग स्टेट और सेंट्रल बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 11th या 12th जहां पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम उपभोक्ता व्यवहार और उत्पादन संभावना वक्र कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर PPCA से रिलेटेड कुछ MCQs हैं उसी को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है उपरोक्त मांग वक्र क्या प्रकट करता है। देखिए ये हमारा मांग वक्र है, इसमें जब वस्तु की कीमत 10 रुपये है उस समय वस्तु की मांग कितनी है 5 इकाइयाँ। जब वस्तु की कीमत कम होकर 10 रुपये से कम होकर कितनी हो जाती है 5 हो जाती हैं, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 5 इकाइयों से 10 इकाइयाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के कम होने से मांग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और पहले मांग वक्र के इस ए बिंदु पर थे, अब हम कहाँ पे आ गए मांग वक्र के बी बिंदु पर। तो मांग वक्र के ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आना जब कीमत में कमी हो जाती है और मांग बढ़ जाती है इसको क्या कहा जाता है, मांग का विस्तार कहा जाता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ जाना यहाँ पे क्या कहलाएगा, मांग में संकुचन। ठीक है, इस बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ, और ऐसा कब हो सकता है जब कीमत बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ने से अगर मांग कम हो जाएगी तो ये किसको दर्शाएगा, संकुचन को। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पूछा हुआ है, ये जो मांग वक्र है इस ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ आना क्या कहलाता है, विस्तार, मांग का विस्तार। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा दूसरा है उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता। देखिए उपयोगिता को मापने के संबंध में दो विचारधाराएं हैं, एक तो उपयोगिता विश्लेषण है और दूसरा हमारा तटस्था वक्र विश्लेषण है या उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। तो देखिए उपयोगिता विश्लेषण जिसमें हम सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम इसका अध्ययन करते हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण क्या कहता है, किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती हैं उसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। इसलिए जो उपयोगिता है वो एक तरह से क्या है, गणनावाचक विचारधारा है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता को कहा जाता है। देखिए जब हम किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो जितनी भी इकाइयों का उपभोग करते हैं प्रयोग करते हैं उन सभी इकाइयों से जो उपयोगिता मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। इससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे माना कि एक व्यक्ति है वो 5 रोटी का प्रयोग करता है तो इन 5 रोटी का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। और किसी वस्तु की एक इकाई से, केवल एक इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है वो क्या होती है, सीमांत उपयोगिता होती है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सभी इकाइयों का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलेगी उसको क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अगर हम सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ लें, मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, कुल उपयोगिता आ जाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फोर्थ, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको क्या कहा जाएगा, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे एक व्यक्ति अगर 5 रोटी का प्रयोग करता है और 5 रोटी का प्रयोग करने से उसको उपयोगिता कितनी मिलती है, माना कि 100 के बराबर। अगर वो इस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, 5वीं से 6ठी इकाई का अगर प्रयोग करता है तो इसकी जो उपयोगिता है वो माना कि कितनी हो जाती हैं, 120 हो जाती हैं। तो इस अतिरिक्त इकाई से 5वीं से 6ठी इकाई का प्रयोग करने से कितनी उपयोगिता मिली है, 20। इन दोनों का जो अंतर है 20 उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पांचवा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं
तब कुल उपयोगिता, देखिए सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक कब होगी, जब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं तब कुल उपयोगिता क्या होती हैं, घटना शुरू कर देती हैं। इसके लिए आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो संबंध है उसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से हमारा कुल उपयोगिता वक्र होता है और जहाँ से कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती हैं उसके बाद में जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक। जब कुल उपयोगिता घटती हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती हैं, और जब कुल उपयोगिता बढ़ती हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती हैं लेकिन धनात्मक होती हैं। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इस नियम का नाम क्या है। देखिए अर्थशास्त्र में उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता हास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है, जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का जो उपभोग है वो बढ़ाता है तो उस वस्तु का उपभोग बढ़ाने के साथ साथ में उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है या उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है सेवंथ, निम्न में से कौन सी शर्त एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन पर लागू होगी। देखिए उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में कब होता है ये हमको बताना है। तो देखिए उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या जरूरी है, किसी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसका कीमत के साथ में जो अनुपात है वो किसके बराबर होना चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, MUX अपॉन PX जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, MUM के। अगर दो वस्तु हैं तो क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए MUY अपॉन PY इक्वल होना चाहिए MUM के। यहाँ पर एक वस्तु के बारे में है इसलिए क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX इक्वल क्या होना चाहिए, MUM। नेक्स्ट है हमारा एट, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। देखिए जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण है, चाहे हम सीमांत उपयोगिता हास नियम की बात करें, सम सीमांत उपयोगिता नियम की बात करें, तो उसमें मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको क्या माना गया है, स्थिर माना गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उपभोक्ता के पास में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है, अगर वो उसे खर्च करता है, खर्च करने के बाद में उसके पास में मुद्रा की मात्रा अगर कम हो जाती है, लेकिन मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा की उसके लिए जो उपयोगिता है उसको क्या माना गया है, इसमें स्थिर माना गया है, समान माना गया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, क्या होता है जब MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY की तुलना में। देखिए जब उपभोक्ता क्या करता है, दो वस्तुओं X और Y का प्रयोग कर रहा है, तो जब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता का कीमत के साथ में जो अनुपात है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता के द्वारा X वस्तु का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, तो मुद्रा की तुलना में जो वस्तु का उपभोग करने से उपयोगिता मिल रही है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु का जो उपभोग है उसको एक तरह से क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब X वस्तु का उपभोग तो वो क्या करेगा, एक तरह से बढ़ाएगा। साथ ही साथ अगर हम Y वस्तु की बात करें तो संतुलन की जो शर्त होती है वो क्या होती है, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के, और इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Y वस्तु का जो उपभोग है वो घटाना पड़ेगा। Y वस्तुओं का उपभोग करके ये जो MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY से उसको बराबर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, दो वस्तुओं की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेता है जब।
ठीक है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, एम यू वाई अपॉन पी वाई के। इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए। और साथ ही साथ जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो भी बराबर होने चाहिए, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है 11th, यदि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती हैं जिसे अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमत पर उपभोक्ता खरीद सकता है तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए जो दो वस्तुएं हैं उनके विभिन्न संयोग को प्रकट करने वाली रेखा को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जिसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है, उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, बजट सेट कहा जाता है। बजट सेट का मतलब क्या हो गया कि माना कि उपभोक्ता की आय 100 रुपये हैं और दो वस्तुएं हैं पी एक्स, एक्स वस्तु कीमत कितनी है 5 रुपये हैं और वाई वस्तु कीमत कितनी है 10 रुपये हैं। तो जब उपभोक्ता की आय दे रखी हो और वस्तुओं की बाजार कीमत भी दे रखी हो तो ये हमारे पास में अगर दे रखा होता है तो बजट सेट जो है वो क्या दर्शाता है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जिसे उपभोक्ता अपने इस 100 रुपये से खरीद सकता है। अगर माना कि वो वाई वस्तु की दो मात्रा खरीदता है तो 10 रुपये की एक है तो 2 रुपये के लिए कितना खर्चा होगा 20 रुपये का और बाकी बचे हुए 80 रुपये में ये कितनी आ जाएगी, एक्स वस्तु की इकाई कितनी आ सकती है 16 आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे और भी संयोग हो सकते हैं जिसको हम बजट सेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12th, निम्न में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की नहीं है। अनधिमान वक्र को तटस्था वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है। तो देखिए जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतदर होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर ऊंचा जो अनधिमान वक्र है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में अनधिमान वक्र जो होते हैं एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तो ये तीनों विशेषताएँ होती हैं। जबकि हमको क्या पूछा हुआ है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो मूल बिंदु की ओर ये नतोदर कॉनकेव नहीं होता है, नतोदर नहीं होता है, कैसा होता है, उन्नतदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसलिए चौथी विशेषता ये तटस्था वक्र या अनधिमान वक्र की नहीं होती है। नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तिगत मांग फलन का निर्धारक तत्व नहीं है। व्यक्तिगत मांग के बारे में पूछा है, एक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं की जो मांग की जा रही है उससे उस वस्तु की कीमत का प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता की आय का प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता की रुचि क्या है, पसंद क्या है, फैशन क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आय का वितरण किस तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, ये व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित नहीं करेगा। आय का वितरण जो होता है वो बाजार मांग फलन को निर्धारित करता है। तो व्यक्तिगत मांग फलन को कौन सा तत्व निर्धारित नहीं करता है, आय का वितरण। नेक्स्ट है 14th, यहां पर हमको वस्तु की कीमत दे रखी है 20 रुपये और ये भी है 20 रुपये और मांग कितनी है 80 इकाइयां, यहां पे है 100 इकाइयां। उपरोक्त उदाहरण में से मांग का प्रकार बताइए। देखिए जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति हो, वस्तु की कीमत तो स्थिर है लेकिन मांग अगर कम ज़्यादा होती है तो इस स्थिति को देखिए, वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर मांग जब बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर जब मांग बढ़ जाती है, देखिए वस्तु की कीमत कितनी है, ये है माना कि 20 रुपये हैं और मांग कितनी है 80 इकाइयां, ये हमारा मांग वक्र है। अब देखिए इसी कीमत पर अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ के कितनी हो जाती है 100 इकाइयां, तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर अगर मांग बढ़ती है तो इसको क्या कहा जाता है, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और वस्तु की कीमत के कम होने से अगर मांग बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाएगा, विस्तार, एक्सपांशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है 15th, किसी वस्तु की कीमत 16 रुपये है, उसमें मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है 200 है और कुल खर्चा कितना है 3200 रुपये का। जब वस्तु की कीमत 16 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाती हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा 200 से कम होकर 160 हो जाती हैं लेकिन कुल खर्चा कितना है 3200 ही है। तो व्यय विधि के आधार पर मांग की लोच बताइए। तो देखिए व्यय विधि में क्या होता है, वस्तु की कीमत के घटने से या बढ़ने से जब कुल व्यय स्थिर होता है, कुल व्यय की मात्रा यहाँ पर क्या है स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इकाई के बराबर।
और देखिए व्यय विधि में जब वस्तु की कीमत के बढ़ने से अगर जो खर्चा है वो बढ़ जाता है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। और कीमत के बढ़ने से अगर खर्चा कम हो जाता है, दोनों के बीच में कीमत और व्यय के बीच में विपरीत संबंध होता है, तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक। और कीमत के बढ़ने या घटने पर कुल व्यय स्थिर होता है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। इसलिए से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 16वां, निम्न में से किस विषय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा हुआ है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के बारे में अध्ययन करते हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इसका भी अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, समष्टि में नहीं किया जाता। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 17वां, आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि, देखिए आर्थिक समस्या जो चयन की समस्या है वो क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था में लोगों की जो आवश्यकताएं वो असीमित होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और उन संसाधनों के प्रयोग क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। इसलिए सही, सभी बातें सही हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हैं 18वां, निम्न में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, तो उत्पादन क्या किया जाए, ये केंद्रीय समस्या है, उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये तीनों केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता केंद्रीय समस्या नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 19वां, उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु क्या दर्शाता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र की अगर हम बात करें तो वो क्या दर्शाता है, अर्थव्यवस्था के पास में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादित की जा सकती हैं। और कोई भी वक्र अगर इस उत्पादन संभावना वक्र से बाहर है, माना कि ये के बिंदु इसके बाहर स्थित हैं, तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है, जो अर्थव्यवस्था है वो इस बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, अर्थव्यवस्था के पास में टेक्नोलॉजी या संसाधन नहीं है इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए, तो अप्राप्त संयोग हम कह सकते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्पादन का अप्राप्य संयोग। नेक्स्ट है 20वां, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाएं ओर खिसक जाता है। ये जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है ए बी, ये दाएं ओर कब शिफ्ट हो सकता है, जब अर्थव्यवस्था में या तो उत्पादन के जो संसाधन हैं उसमें वृद्धि हो जाए, या जो टेक्नोलॉजी है उत्पादन की तकनीक है उसमें सुधार हो जाए। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधनों में अगर वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, दाएं ओर खिसक जाएगा, और अकुशल तकनीक अगर होगी तो बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ। नेक्स्ट हमारा है 21वां, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। उत्पादन संभावना वक्र जो हमारा है इस आकार का होता है, और इस ढाल को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, या मूल बिंदु से अगर हम देखें यहाँ से तो इसका जो आकार है वो कैसा होता है, नतोदर होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉनकेव। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर की ओर नतोदर हम कह सकते हैं, ठीक है, नतोदर होता है कॉनकेव हम कह सकते हैं, एक्स अक्ष के समांतर की ओर नतोदर, ऊपर की ओर ढालू होता है, ठीक है, देखिए नीचे की ओर ये ढालू भी होता है, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, अगर मूल बिंदु की ओर नतोदर लिखा होता पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु की ओर मान लेते हैं कि यहाँ पे उन्नतोदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स अक्ष हमारा जो ये है इसकी ओर अगर हम देखें तो ये कैसा है, इसका ढाल नतोदर है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां, एक अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करती है, निम्न तालिका में सीमांत अवसर लागत ज्ञात कीजिए। देखिए सीमांत अवसर लागत हम कैसे ज्ञात करते हैं, MOC इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X।
तो यहाँ पर अगर हम देखें जिस वस्तु की मात्रा में कमी की जा रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए गेहूं की मात्रा 100 से 90 हो गई, कितना कम हुआ है 10 इकाइयों का। और किसका उत्पादन बढ़ा है, कपड़े का, कितना 0 से 25, तो वृद्धि कितनी हुई है 25 की। अब 10 में अगर हम 25 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, इसलिए से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो MCQs हैं बहुविकल्पी प्रश्न उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे।